हम लोग बाल विवाह करते हैं। सवाल यह है कि बाल विवाह तो अपराध है और वहां बाल विवाह करना पड़ता है प्रतीक जी, इसीलिए उनको उत्पीड़न के शरणार्थियों को मदद कर रहे हैं। सवाल यह है नहीं प्रतीक जी, सवाल देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अरे जहां भी जाति हुई वहां भी जाति होती है। यहाँ ये कुछ नहीं है, हम तो सुनिए मेरी बहन, मेरी बात सुनिए, अगर आपके साथ जाति हुई वो समझो मेरी अपनी बहन के साथ जाति हुई, उसके लिए करेंगे क्या फिर हम? सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, लेकिन इंसाफ जो है ना, जब जमहूरी मुल्क में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, उसमें इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और कोई भी धर्म का होना चाहिए, इंसान को इंसान का इंसाफ होना चाहिए, उसमें धर्म के नाम पे इंसाफ नहीं होना चाहिए, उसमें इंसान को इंसान की नजर से देखना चाहिए। अरे हम आसाराम बापू के नाम पे नहीं आ रहे सड़क पे, यहाँ लोग आसाराम एक बलात्कारी के नाम पे लोग सड़कों पे आते हैं, हम तो अपने हकों के लिए सड़क पे आ रहे हैं, हमारा मुल्क है, हम आएंगे और आएंगे सड़कों पे, क्यों नहीं आएंगे? हम आसाराम बापू के नाम पे नहीं आते। आपको हमारी बेटियों का दर्द नजर नहीं आ रहा? आपको हमारी बेटियों का दर्द नहीं आ रहा? हमारे दर्द पाकिस्तान में क्या होता है वो दर्द नजर नहीं आ रहा? मुझे मालूम है, 96% बलात्कार मुसलमान करते हैं। नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड है सर, नो 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 सर, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सर, नहीं 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 सर, प्लीज मैं आ रहा, मुझे मालूम है, सर मैं चांस दूंगा, मुझे हम तो इंसाफ मांग रहे हैं, मुझे इंसाफ मालूम है, इस मुल्क में बुरहान नहीं है, बलात्कारी नहीं है, इस मुल्क में बुरहान वानी को लेकर भी लोग सड़क पे आ जाते हैं, ये तो यह मुल्क है। और फिर आप नहीं आए, 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 आप भी नहीं आए, मैं मानता हूँ, लेकिन इस मुल्क को हुजूरे आली, हुजूरे आली, हुजूरे आली, लेकिन मुल्क को कारपेट की तरह इस्तेमाल मत करिए कोई भी, न तो मेरा है हक न किसी का। जी बिल्कुल, मैं आया जी। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान जो है मुल्क इस्लामिक कंट्री होने के बावजूद मैं इस्लाम से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम अजीज़ुर्रहमान है, लेकिन मैं पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैं चाहता हूँ आप लोग नारे लगाएं पाकिस्तान मुर्दाबाद। आई डोंट अलाउ यू, आई डोंट अलाउ यू, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूंगा, अगर इस मुल्क में रहना है इस मुल्क की बात करो और इस मुल्क की इसकी बेहतरी की बात करो, उसके उसके मुर्दाबाद की बात नहीं कर सकते हम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, सीए से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, सीए से किसी मुसलमान को प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो ये लोग दिखा रहे हैं कि मुसलमानों को ये प्रॉब्लम है, मेरी जैसे बहन माताएं आई हैं, हमें इससे प्रॉब्लम है, हमें इससे कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, हम ये नहीं चाहते कि आप पाकिस्तान से जो मुसलमान आ रहे हैं आप उनको लो, मुसलमानों के पास और भी बहुत सारे देश हैं, आप उनको वहां रहने दो, बांग्लादेश में रहने दो, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एनआरसी लागू कर रही है और मेरे देश के जो इतने लाखों करोड़ों रुपए में ये फूंक रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में गरीबी कम नहीं है, शिक्षा कम नहीं है, और क्या बेरोजगार, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, आसाम में कौन से, मुझे बताइए आप, आसाम में कौन सा मुसलमान मरा? चार जो लोग मरे वो हिंदू थे, आप मुझे बताइए, सुनिए साहब, आसाम में, आसाम में, आसाम में जो लोग मरे वो मुसलमान नहीं मरे, हिंदू मरे, जो कर्नाटक में मरे वो दो लोग हिंदू थे, आसाम के लोग कहते हैं कि बाहर के लोग क्यों बसे यहाँ, पूरा आसाम जल रहा है, क्यों? नॉर्थ ईस्ट को स्पेशल, नॉर्थ ईस्ट के पास के साथ आर्टिकल, आप इंसाफ आर्टिकल, और कहते हो कि आप और लोग सर, सर आप तो लॉ पढ़े हुए हैं, आर्टिकल 6 के अंदर, आर्टिकल 6 के अंदर स्टेटस है, हिंदुस्तानियों का मसला है सर, लोग परेशान हैं जिनको खुद कुछ मिल नहीं रहा है, और बाहर से आप हमारे पे शुक्ला जी ला रहे हैं, शुक्ला जी, हमारे सवाल का जवाब, अबे साहब एक मैं आ गया, जो ये कहते हैं ना बांग्लादेश से लोग आएंगे, बांग्लादेश की जीडीपी 8% है, यहाँ 5% है, वो क्या लोग यहाँ आएंगे? ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये बात सही है आपकी, हमारी जीडीपी 5% है, बांग्लादेश की 8%।